बोलना है उसमें नहीं बोलना कुछ कुछ वोट कुछ वोट ऑफ टाइप्स अगर बोलना है एक एक बोल दीजिए सर सर एक एक दो लाइन मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री महेंद्र जी जैन को दो शब्द के लिए हैप्पी ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि यहां मुझे सम्मान दिया यहां पे उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों खासकर राकेश जी कोठारी इनकी उपस्थिति आज अत्यंत महत्वशील है महेंद्र भाई गांधी हितेश भाई गांधी तीरथ राठौड़ इनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस साल जैसा क्रिकेट के सामने आपने रखे वैसे ही हर साल इससे चार गुना और अति सुंदर कार्यक्रम करें यही आशा करते हुए मैं अपने दो शब्द पूरे करता हूं जय हिंद जय महाराष्ट्र जय जिनेंद्र हेलो बहुत बहुत धन्यवाद बहुमान की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे थाने जैन समाज के भूतपूर्व ट्रस्टी एवं समाज सेवक गुणवंत जी सालेचा का और इनका सत्कार करने के लिए मैं निवेदन करूंगा तीरथ भाई राठौड़ महेंद्र भाई गांधी एवं हितेश भाई गांधी से बहुत ही बढ़िया बैठी आपका आगमन हमारी खुशी आए हुए सभी महानुभव का हैप्पी ग्रुप तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं इसके बाद बहुमान की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा रवि अंबरकर जी से एवं तुषार कपाड़िया जी से कि वे आगे आए मंच पर और बहुमान की शोभा बढ़ाए मैं और एक बात बताना चाहूंगा सर कि जैसे हम आपसे जुड़े हैं आप हमसे जुड़े हैं एक और सुविधा आपके बिजी शेड्यूल में फ्यूचर में कभी समय का अभाव हो तो एक बहुत सुंदर व्यवस्था रखी है YouTube लाइव पे हमारा मैच चलता है भारत के कोई भी कोने से विदेश के कोई भी कोने से हम दोनों एक परिवार की तरह जुड़ सकते हैं और आप हमारा मैच का आनंद लाइव ले सकते हैं सर हेलो श्रीपाल भाई का बहुमान करने जा रहे हैं हमारे थाना के सरताज पंकज जैन और ये फ्रीट का बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और आए हुए हमारे मेहमानों का साल ओढ़ाकर उनका बहुमान किया जा रहा है हमारे जैन समाज की एक परंपरा है कि जब भी कोई अच्छा कार्य होता है या तो श्रीफल या फूलों का गुलदस्ता या शॉल उड़ाकर उनका बहुमान किया जाता है एक हमारी विशेष अनुभूतियां हैं जो हम आज यहां पर आपके सामने करने जा रहे हैं तो जरा जोरदार तालियों से और हमारे वीवीआईपी गेस्ट राकेश जी कोटारी का बहुमान करते हुए शॉल उड़ा के बहुमान करते हुए हमारे महेंद्र भाई गांधी और हितेश भाई गांधी महेंद्र भाई जैन का भी स्वागत करेंगे हमारे अरविंद भाई और सुशील भाई और फ्री हिट हेलो 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 लाइन किन्नो है शाल उड़ाकर सम्मान करेंगे शिपाल भाई जैन का भी और सम्मान करने में बुलाना चाहूंगा हेलो हितेश भाई गांधी और गुणवंत जी एक मिनट बता सुशील भाई 16 रन और है टुंडू भाई समाज सेवक रवि अंबरकर जी एवं तुषार कपाड़िया जी से निवेदन करूंगा कि वे आगे आए बहुमान की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा गुणवंत जी सालेचा
उनका भी सम्मान सम्मान करेंगे। तुषार जी कापड़िया और तुषार जी कापड़िया स्टेज की तरफ आए प्लीज। योगेश भाई पाटिल, श्री योगेश भाई पाटिल, अतिथि देवो भव, आए हुए सभी मानवों का हैप्पी ग्रुप तहदिल से हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करता है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, आपका आगमन हमारी खुशी, आपका आगमन हमारी खुशी। उन सभी दानदाताओं का हम तहदिल से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस खेल रूपी महोत्सव को सफल बनाने के लिए अपना तन मन और धन से योगदान दिया। गुणवान जी सालेचा का सम्मान करेंगे, हमारे व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सागर जी इंटोरिया। बहुमान की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा दीपक पटेल और नितेश तेली जी को कि वे आगे आए। तीन ओवर ना, तीन ओवर 24 रन, तीन ओवर 24 रन। हेलो, बहुत बढ़िया शॉट, एक रन तो मिलेगा जरूर। सभी अतिथिगणों का और हमारे सभी मान्यवरों का, खास करके हमारे जो महिला दर्शक हैं आज आई हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। आपके चेहरे पे जो खुशी है ना, ये खुशी हमेशा नए साल में बरकरार रहे, हंसते रहे, जिंदगी यूं ही हंसते कट जाए, इसके लिए हैप्पी ग्रुप का नाम हैप्पी है क्योंकि स्माइल यहां पर है। तो जिंदगी हर क्षण हर पल खुशी खुशी से जीते हैं, उनकी जिंदगी उत्सव महोत्सव बन जाती है, यही तो हैप्पी ग्रुप का सबसे बड़ा टैगलाइन है। सबके साथ और ये कैच और सेलिब्रेशन देखिए कैसे कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कैच। निकेश जैन ने जो कैच पकड़ा है बहुत ही खूबसूरती से, और देखिए स्क्रीन के ऊपर कितना अच्छा लगता है देखना, अपने आप को टीवी पर देखना, एल्बम में देखना, मोबाइल में फोटो फेस में देखना, आजकल हम लोग खुद को टीवी पे और इसमें देखते हैं। संजय सागर जी इंटोडिया के न्यू बैट्समैन संजय राठौड़ नेतृत्व में जो टीम बनी है हमारे हैप्पी ग्रुप का मेंस और वुमेन्स टूर्नामेंट देख के, हमारे वरिष्ठ प्लेयर भी आज क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो सागर जी इंटोडिया के नेतृत्व में जो दो टीमें भी बनी है उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्टेज की तरफ आवे और क्वार्टर फाइनल का जो चौथा मैच है कास्टिंग कमांडर वर्सेज राज रत्न ज्वेलर्स, सभी टीम के प्लेयर तैयार रहे। सबसे बड़ी बात हैप्पी ग्रुप की, जिन्होंने महिला क्रिकेट का ऑर्गेनाइज किया था, किचन के प्लेटफॉर्म से विकेट के ग्राउंड तक सफर कैसा रहा आपका, ये सवाल अगर आपको पूछा जाए, किचन प्लेटफॉर्म से क्रिकेट प्लेटफॉर्म दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, यहां से आपको सब कुछ गुजरना पड़ता है। कभी कभी आप तो कहती है टीवी मत देखो, मैच मत देखो, काम करो, लेकिन आज क्रिकेट खेलते वक्त सभी हमारी लेडीज क्रिकेट क्या बढ़िया खेली, कल का दिन यादगार था। चलते मैच की ओर, तीन ओवर के बाद चार ओवर 31 32 माफ कीजिए
दो विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फ्लाइटेड डिलीवरी लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। सेमीफाइनल इसके बाद और दो मैच है, एक रन मिलेगा और कैसी फील्डिंग है ये, खुद को झोंक रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं लेकिन रन रोक रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 34, विकेट कीपर को आगे बुलाया गया। ये गेंद फुल टॉस और उन्होंने गेंद को पकड़ा, दो रन के जगह पर एक ही रन दिया। अलग अलग स्टाइल होती है फील्डिंग करने की, सेलिब्रेशन की, लेकिन स्टाइल अपनी अपनी होती है, अदा अपनी अपनी। यहां फुल टॉस गेंद और 4 रन, खराब फील्डिंग, खराब फील्डिंग, समय पर नीचे नहीं झुके, थोड़ा आलस भरा प्रयास ऐसे हम कहेंगे, लेकिन रन तो रन है, कैसी भी आए हमेशा वेलकम है। स्कोर तेजी के साथ फास्ट ट्रेन की तरह आगे बढ़ता हुआ, इस बार आगे आए, गेंद को टटोला, देखा नहीं मिल रही है, डॉट डिलीवरी। बहुत ही बड़े आयोजन और खूबसूरत नियोजन हैप्पी ग्रुप की तरफ से इस बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 4th एडिशन का। और ये एक और देखिए, हाथ में गेंद नहीं आई तो फुटबॉल के तरह उसको उड़ाया। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद इस ओवर की, स्कोर है स्कोर बोर्ड पर 40 रन, 40 ऑन द बोर्ड, 1 डिलीवरी टू रिमेन दिस ओवर। आखिरी गेंद इस ओवर की, क्वार्टर फाइनल नंबर 3 चालू है। फील्डिंग एडजस्ट करते हैं गेंदबाज, लेकिन फील्डर उतना साथ नहीं दे रहे हैं। आखिरी गेंद हवा में, विकेट बॉक्स आउट। और ये देखिए सेलिब्रेशन, सगे भाई को आउट करने के बाद का जो सेलिब्रेशन बनता है वो तो बनता है। भाई को आउट किया, सगे भाई को, क्या बात है। और ये वेस्ट इंडियन डांस था लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन बंटी जी आपको पता है कि खेल के जगत में मैदान पे कोई अपना सगा नहीं होता। यस, फ्रेंडशिप आउटसाइड और इनसाइड क्लियर फाइट। निकेश जैन नए बल्लेबाज, बॉलर माफ कीजिए, सॉरी बैट्समैन कौन है, मुदित नए बल्लेबाज इस बार ग्राउंड के साथ। ढूंढो ढूंढो रे साजना, लेकिन 2 रन भरत, और ये नजदीकी मामला है लेकिन अपने घर में सुरक्षित। मुदित सामना करेंगे और ये विकेट, विकेट नंबर 3 डाउन, 4 डाउन, 4th डाउन। वेयर इज द नॉन सेकंड बैट्समैन, सुपर सिक्स के लिए बड़ा प्राइज है, जो सुपर सिक्स, न्यू बैट्समैन अमन, भरत अलर्ट है। और थ्रो देखिए किधर, वेल थ्रो, गुड थ्रो भरत, बढ़िया। यूट्यूब लाइव है, एलईडी स्क्रीन के ऊपर मैच नजदीकी देखना अलग है। स्कोर है स्कोर बोर्ड पर 44, लास्ट 2 डिलीवरी रिमेन, आखिरी 2 गेंद लक्ष्य तय करने के लिए, टारगेट देने के लिए, निर्धारित लक्ष्य क्या टारगेट देंगे, 2 गेंदे शेष। अच्छे डॉट डिलीवरी, रन आउट का मौका, इजी रन आउट। और स्टंप कहां उखेड़ा उन्होंने, लास्ट डिलीवरी ऑफ दिस इनिंग। काफी तादाद में
ये स्टेडियम खचा खच भरा हुआ है। आप सभी को नया साल मुबारक हो। अभी भी ये छठा दिन है। चाइना में नया साल 3 महीने तक मनाते हैं, हम तो बिचारे एक ही दिन में। ये बार रन आउट 45 इज अ टारगेट। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की निकेश ने, आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन दिए अपने खाते से और एक विकेट लिया, 2 रन आउट, बहुत ही अच्छी। और अभी और हमारे टारगेट इज 45। हितेश भाई ताबड़तोड़ फील्डिंग सजाइए। अंपायर, एक खाली 1 मिनट के लिए गेम स्टॉप रखना, 1 मिनट के लिए खाली। और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे राकेश जी कोठारी। आखिर क्या करे, कितने भी बड़े पद पर रहो, कितने भी बड़े कद से रहो, लेकिन आखिर दिल तो बच्चा है जी। इसके लिए हमारे राकेश भाई कोठारी आज अपनी भी किस्मत आजमाना चाह रहे कि इतना खूबसूरत ग्राउंड है, क्या उनका भी मन हुआ है कि 2-4 बॉल तो आज मैं भी खेल के ही जाऊंगा। आज का हमारा मेगा इवेंट देखकर राकेश जी से भी रहा नहीं गया, उन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त की कि 2-4 बॉल तो मैं भी खेलूंगा, 2-4 सिक्स तो मैं भी लगाऊंगा। बहुत ही अच्छा, एक रन एक ही है तो मैं बोल रहा हूँ ना दादा, कास्टिंग कमांडर और राजरत्न ज्वेलर्स। वाह, अभी इसमें टॉस नहीं हुआ है, क्या बात है। और उनको गेंद करेंगे महेंद्र जी गांधी, आप भी। ये क्वार्टर फाइनल का चौथा मैच है। बहुत ही अच्छा शॉट और कैच नहीं कर पाए हितेश गांधी। और नेक्स्ट बॉल करेंगे उनके मित्र महेंद्र जी गांधी, और एक भी बॉल अभी तक मिक्स नहीं की है। दोस्तों सरप्राइज मत होना, अगर राकेश जी अपना नाम अगले साल 2021 के लिए लिखा दे तो। क्या बात है राकेश जी अब गेंदबाजी भी करेंगे। राकेश जी आपने गेंद डाली और सामने वाले बल्लेबाज को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि क्रिकेट के या किसी भी विकेट पर आपकी जो चलती श्री महेंद्र जी जैन वो आपकी ही चलती है। और महेंद्र जैन ठाना के इनसे गुजारिश है कि वो अब बैटिंग के लिए नीचे आए। और ये महेंद्र भाई गांधी पहली ही बॉल पे आउट। आखिर इससे साबित होता है राकेश जी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत से हर विकेट पर, चाहे पॉलिटिक्स हो, समाज सेवा हो, बिजनेस हो, हर विकेट पर उनकी लाइन ऑन लेन सही होती है। ये अच्छा नजारा है, ये दृश्य, ये चित्र जो है ये कैमरा में नहीं, बहुत ही अच्छा शॉट। और संजय भाई राठौड़ हमारे प्लेयर के फेस पे जाके ये गेंद लगी। और दो बड़ी शख्सियत अब आमने सामने हैं, लेकिन ये प्यार का मामला है।
और हैप्पी ग्रुप के सभी सदस्य, हैप्पी ग्रुप के ऑल मेंबर्स, अब प्लीज आप नीचे जाइए ग्राउंड पर। ऑल द मेंबर्स ऑफ हैप्पी ग्रुप, अब एक अलग सम्मान हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये दृश्य हमेशा कैमरे में नहीं, नजरों की कैमरा से दिल की आंखों में कैद करने वाला ये नजारा है, जो काफी कम समय में हमें मिलेगा। हैप्पी ग्रुप ऑल मेंबर्स, इधर आ जाओ। हैप्पी ग्रुप के सभी सदस्य, अगले साल के लिए आपका नाम लिख दूं सर? हैप्पी ग्रुप के सभी सदस्य, मोहित, मोहित दर्शन। हैप्पी ग्रुप के सभी सदस्य एक बार क्रिस पे बता रहे, हैप्पी ग्रुप के सभी सदस्य, हैप्पी ग्रुप के सभी मेंबर्स ग्राउंड पे आ जाए प्लीज। पूरा पूरा बड़ा कर दीजिए, आप सभी आएंगे फोटो में सर जी, प्लीज सब सब हैप्पी ग्रुप के सभी सदस्य। और जोरदार तालियां होनी चाहिए, ये सम्मान होने जा रहा है हैप्पी ग्रुप की ओर से। छोड़ो महेंद्र जी तो अंदर ही है। महेंद्र सर आपको वापस एक बार नीचे जाना होगा, आपके सिवा ये चित्र अधूरा है। महेंद्र कुमार जैन, इनके सिवाय चित्र अधूरा था। और सम्माननीय महेंद्र कुमार जैन, इनको भी अभी यहां पर सम्मानित कर रहे हैं हैप्पी ग्रुप के सभी सदस्य, होल हैप्पी ग्रुप। आपका सम्मान ये हमारा अभिमान है, जो आपका सम्मान हमारे हाथों से हो रहा है। कुछ लोग काम से जाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाम काम से होता है, लेकिन जिनके नाम से काम ही होते हैं वो ये दो शख्सियत हैं। राकेश भाई आपके लिए मैं खाली हैप्पी ग्रुप की तरफ से खाली एक दो शब्द कहना चाहूंगा कि राकेश भाई मेंडर भाई कभी अपने खुद पे गुरूर नहीं करते, याद करने के लिए वो किसी को मजबूर नहीं करते, लेकिन अगर एक बार वो जिंदगी में कभी अपना किसी को दोस्त मान ले तो उसे कभी अपने दिल से दूर नहीं करते। राकेश भाई कभी अपने दिल से दूर नहीं करते। हम आशा करेंगे कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और हमें जब भी आपकी जरूरत हो तब आप हमारे लिए ऐसे ही आप हमारे इवेंट में पधारे और हमारे सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई कोटारी और महेंद्र भाई जैन। धन्यवाद महेंद्र कुमार जैन सर और राकेश भाई, यूं ही प्यार का सिलसिला जारी रहे, यूं ही आपका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे। धन्यवाद सर। मराठीत म्हणतात ऋणानुबंधाचा धागा असाच कायम राहावा आणि प्रेमाचा आशीर्वाद हा असाच कायम राहावा। ना बहुत ही होती, एक इनिंग के बाद आपका मैच होगा, एक इनिंग के बाद होगा, एक इनिंग के बाद आपका मैच होगा, खाली एक, जब तक आप वार्म अप हो जाए, सभी वार्म अप, मैच रिज्यूम हो रहा है, बस अंपायर मैच स्टार्ट किया जाए। मैंने Shamot and Furtado's complete EVA. For more information, log on to www.evaworldschool.in. Go. Hello. Haan, Kiran bhai. हाँ एक्चुअल में मैं आज नहीं की तो ना, आपने मूव करा जावा ना, आज मैं प्रोग्राम चालू तो नहीं, बोलो अब मैं करनी है तो ही।
ના ના કોઈ નહીં ઉઠાવે એક્ચ્યુઅલ મેં હું એની પ્રોગ્રામ મેં આપણે તીન મિસ કોલ દે દિયા ગયા જે મેં ફોન કીધો મેં કીધું કરું છું આપને ફોન અર્જન્ટ ભાઈ તો મેચ રિઝ્યુમ હો રહા હે જો નહીં ખેલ રહે વો ગ્રાઉન્ડ સે બહાર આ જાય પ્લીઝ મારો મેચ હે તો હું મેચ મે રહું લાજી કો કહું હા એ એ એ માંજો માંજો ટાર્ગેટ બતા દીજે ના સર ટાર્ગેટ હે 45 પ્લીઝ સ્ટાર્ટ ધ મેચ ઇમિડિયેટલી એ માંજો હિમાંશુ દિનેશભાઈ મહાલક્ષ્મી નોવેલ્ટી દિનેશભાઈ મહાલક્ષ્મી નોવેલ્ટી જા કઈ પીઓ સ્ટેજ કી તરફ પધારે દિનેશભાઈ પર મેચ સ્ટાર્ટ ઓર બિંદર ઓર રત્ન ज्वेलर्स के कैप्टन प्लीज स्टेज की तरफ आए क्वार्टर फाइनल का चौथा टॉस श्री ओम जी के हाथों किया जाएगा कास्टिंग कमांडर के कैप्टन और राजरत्न ज्वेलर्स के कैप्टन थैंक यू स्टार्ट द मैच क्या हुआ एक मिनट अंपायर डिसीजन फाइनल होगा अंपायर का डिसीजन अंपायर चाहे तो विचार विमर्श कर सकते हैं लेकिन अंपायर का डिसीजन ही फाइनल होगा बोथ द टीम कंप्लीट आई गो द कॉल द टू कैप्टन captain of casting commander and captain of rajasthan rajratna jewelers last quarter final casting commander and rajratna jewelers toss is on casting commanders aur rajratna jewelers ke captain stage ki taraf apne toss ki taraf jaate hain cameraman yahan pe aao बंटी जी आप हमारे फंक्शन में पहली बार आए कैसा महसूस कर रहे हैं आप कैसा लग रहा है आपको एनर्जी दिलों का दिलों से नाता जोड़ने का जो काम हैप्पी ग्रुप कर रहे हैं अपने समाज को इतने लंबे हम मुंबई में रहते हैं राजस्थान से दूर लेकिन अपनी देश की अपनी मट्टी की खुशबू का एहसास आप यहाँ पे कराते हैं सब इकट्ठा आते हैं और ये जो आप जिस ढंग से मोटिवेट करते हैं सबको और एक धागे में बोरते ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं और इसके लिए अगर महाराष्ट्र की इस छत्रपति तो राजस्थान का हमेशा स्वागत ही है क्या काम कर रहे हैं ग्रुप के सभी सदस्य कास्टिंग कमांडर्स वर्सेस राजरत्न ज्वेलर्स चौथा और लास्ट क्वार्टर फाइनल्स कास्टिंग कमांडर्स ने टॉस जीता है एंड दे हैव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट beauty shot to declare score moves with 2 9 no run 1 to go last delivery full toss drive straight fielding 1 run and maybe the second deflected run d that means 2 add in the score that means the score moves to 11 after 1 over bahut hi acha throw tha पर थ्रो बाउंस बैक हुआ स्टंप्स को लग के वापस चला गया और जरूरत नहीं थी ऐसे थ्रो की स्कोर 11 रन एक ओवर और 11 रन दूसरे ओवर बॉलर का नाम संजय संजय की अगेन बहुत ही अच्छी शुरुआत एक ओवर 11 रन गुड डिलीवरी बैट्समैन जस्ट पुश हल्के हाथों से खेला कवर की दिशा में एक रन के लिए बल्लेबाज निकल गए थे एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज आपसी छोर बदलते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन ये गेंद आ गया है कदमों का उपयोग किया ड्राइव किया लेकिन एक रन मिलेगा वहां पर खिलाड़ी मुस्तदी के साथ गेंद को रोकने में सक्षम कामयाब
और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। हितेश गांधी, इनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वो स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बंटी जी, अगर आप नोटिस करें कि क्रिकेट के मैच में दो तरह के खेल होते हैं, एक लोग क्रिकेट खेलने के लिए खेलते हैं, दूसरा वर्ग जो हर मैच जीतने के लिए खेलता है, और आज की हमारी जितनी भी 16 टीम है हर मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका डेडिकेशन, कॉपरेशन। ब्यूटीफुल रनिंग बिटवीन द विकेट बंटी द्वारा, और दो रन चुराए। और मैं एक बार कास्टिंग कमांडर दिनेश जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपनी टीम को लेके स्कोरबोर्ड वहां पे जो पीछे एलईडी लगा है, प्लीज स्कोरबोर्ड के आगे खड़े ना रहे, प्लीज प्लीज ग्राउंड से अगर हो सके उतना प्लीज आप बाहर खड़े रहिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। क्या बात है इस हैप्पी ग्रुप की, यहाँ पर हारे कोई जीते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीतेगा सिर्फ जैन समाज का क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर सब खेलते हैं लेकिन आनंद के साथ खेलते हैं, ये जो आनंद शब्द है ना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप अपने लिए खेलेंगे तो बात अलग है, लेकिन हंसी खुशी जो आपने स्माइली लगाई है आज यहाँ पर, स्माइली, ये स्माइल जिंदगी में चाहिए चाहिए। सिर्फ फोटो निकालने के लिए कभी स्माइल मत दे दो, जिंदगी में हर वक्त मुस्कुराओ, जिंदगी हसीन बन जाती है। क्या खूब कहा आपने बंटी जी, धन्यवाद आपका। मैच कितना अच्छा है, टीवी पर लाइव, घर पे अगला बोला, जिनके घर वाले नहीं आए उनके घर वाले घर पे बैठे देखते रहेंगे, है कि नहीं? गेंदबाज मोहित मेहता, फिलहाल हमारा मैच ऑल इंडिया देख रहा है यूट्यूब लाइव पे, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया क्या, इंटरनेशनल में जहां कहीं भी आप हो आप जरूर इस मैच का आनंद ले सकते हैं। मोहित मेहता, और ये स्टाइल देखिए गेंदबाज, ये है मोहित जिसने आज मोहित किया है, बहुत ही घातक गेंदबाजी। नाउ द मोहित ऑन हिज वे, दैट इज अ नाइस डिलीवरी इन द ब्लॉक होल, गोस फॉर द इजी सिंगल। मोहित की बॉलिंग देख के हमें मुथैया मुरलीधरन की याद आती है, भाई के भाई, भाई जैसे वो कलाई घुमाते अपनी सामने, सामने। ये आजकल की नई स्टाइल है, और इसके हाथों से खेल दिया, रन चुरा लिया आपने। मोहित ने ये स्टाइल डोंबिवली के आगे कल्याण बदलापुर इस एरिया में जो अंडरआर्म क्रिकेट होता है वहां पर ऐसी स्टाइल से गेंदबाजी करते हैं। आपको लगता है ये इजी, आप डाल के तो देखिए, एक साल लगेगा आपको ये प्रैक्टिस करते हुए। बॉल पे सतीश मेहता ने, ये आपको हाथ को झटका नहीं, ये लट्टू वाली बॉलिंग है, लट्टू जैसा लट्टू घुमाते हैं वो वाली बॉलिंग। अरे और ये बंटी, आहा नहीं नहीं नहीं, सतीश मेहता आउट हो चुके हैं, ये रन आउट हुए नहीं, ये सुसाइड विकेट है, भाई ने भाई का विकेट लिया, इसके लिए सेलिब्रेशन देखिए। चलते हैं रन आउट के लिए, ये दो भाई रात को घर में क्या बात करेंगे, क्यों आउट किया। ये थर्ड क्वार्टर फाइनल है, इसके बाद फोर्थ क्वार्टर फाइनल, उसके बाद दो सेमीफाइनल, और उसके बाद पता चलेगा फोर्थ एडिशन का चैंपियन कौन। मोहित, ओ दैट्स अ गुड डिलीवरी, एक रन चुराया मोहित, लेकिन एक ही रन मिलेगा ओवर की। इसी के साथ समाप्ति, अब तीनों के समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन, 45 रनों का पीछा करती हुई टीम अब चाहिए आने वाली 18 गेंदों में यानी तीन ओवर में जीतने के लिए 21 रन। 18-21 पेपर तो ऊपर से आसान लग रहा है। साई बाबा का एक संदेश हमेशा याद रखना नए साल में, शांति और संयम, शांति और संयम ये क्रिकेट में भी चाहिए और अपनी जिंदगी में भी चाहिए, और शादी के बाद जीवन में तो चाहिए चाहिए, ये मजाक में कहा हमने लेकिन ये हमेशा चाहिए। बहुत ही बढ़िया, हमारे साथ पीयूष आज मिले, सागर मिले, कितने अच्छे अच्छे नए चेहरे भी आज मिले, सागर थैंक यू। लेकिन बंटी जी, हमें आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं।
सभी यंगस्टर जो है हैप्पी ग्रुप के, ये तन मन धन से नहीं, पूरी जी जान से इस मैच में है। इस ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ कमियां ना रह जाए, आओ भगत में स्वागत में कुछ कमी ना रह जाए, खान पान व्यवस्था में कुछ कमी ना रह जाए, खिलाड़ियों के, हमारे महिला क्रिकेट जो खिलाड़ी थी लेडीज, उनके अवगत में कमी ना रह जाए। ये जो आपकी सोच है यंगस्टर की, ये सोच आपको बड़ा बनाएगी जरूर। ये सोच के लिए हम आपको सलाम करते हैं, नमन करते हैं। और एक रन चुरा के दे दिया भरत भाई ने अमित भाई को, क्योंकि जानते हैं कि वो स्ट्राइक बैट्समैन है उनके टीम के। और बॉलिंग पे प्रवीण इंटोटिया, हितेश गांधी और महेंद्र गांधी, इनका मैं जरूर जरूर उनको सलाम करूंगा। सभी को एक ब्योर में बोरना। यस अंपायर, स्कोर है स्कोरबोर्ड पर, स्क्रीन पर है 28, 3 to go, 3 to go, तीन गेंद हुए हैं। अब मैच का इक्वेशन देखिए, पोजीशन सिचुएशन क्या है। अच्छा कैच, क्या कैच लिया है, और भरत ने अपने मुंह पर हाथ रखा कि मैंने क्या किया, क्योंकि अब सिचुएशन मैच की है, गेंदे बाकी बची है 13 और रन चाहिए 16। ये सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि आप सिक्स मारकर हीरो नहीं बनते, सिंगल सिंगल से भी रन बनाते हैं। अब 12 गेंदों में चाहिए 15 रन, 12 बॉल 15, डिलीवरी रिमेन 15 टू विन। और एक इतिहास का सुनहरा अवसर हम इतिहास के पन्नों में लिखने जा रहे हैं, 50 प्लस जेंट्स क्रिकेट भी होगा इस मैच के बाद, जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे सागर जी इंटोटिया। 50 प्लस का मैच होगा अब, 50 साल के ऊपर के सभी नौजवान अब इस मैदान पर खेलेंगे। 50 प्लस 40 प्लस, ये अलग उम्र है। आरोग्यम धन संपदा हम कहते हैं, अब चाहिए क्या मैच में देखते हैं। ओ ये बॉक्स आउट और ये आउट, कंट्रोल खोया, संयम खोया, बैक टू द पैवेलियन। अगले बैट्समैन, बैट्समैन अपना नाम बताएं प्लीज। राहुल, राहुल जीतने के लिए। अब टारगेट देखते क्या मिला है, सिचुएशन मैच की। 14 रन चाहिए आने वाली 10 गेंदों में, 10 बॉल और 14 रन की आवश्यकता। गुड डिलीवरी, एक ही मिलेगा, जस्ट वन रन। नाउ यू जस्ट नीड 13 रन ऑफ 9 बॉल्स, 9 डज रिमेन, 13 टू विन। टिक टिक बजने लगी है, धड़धड़ होने लगी है, मैच का रुख कभी भी मुड़ सकता है, मैच गर्म हो चुकी है। हितेश जी हितेश जी गांधी, इनसे रिक्वेस्ट है कि वो तुरंत स्टेज पर आके संपर्क करें। जो भी 50 प्लस टूर्नामेंट होने जा रहा है एक मैच का, 8 बॉल, उसकी अंपायरिंग करेंगे हमारे हितेश भाई गांधी और अरविंद भाई मादरेचा। सागर याची टेक्निक आपने लाई, 50 प्लस बढ़िया जी। ये उन्होंने आकर हमसे खुद कहा कि हम खेलना चाहते हैं,
ये माहौल ही वैसा है, माहौल ही ऐसा है कि हर दिल की धड़कन कहती है कि मैं खेलूं मैं। इसे कहते हैं फील्डिंग, अटैक टुवर्ड द बॉल, गेंद लेकर दौड़ो और बल्लेबाज की दूसरी रन की मनोकामना को दबा दो। अब चाहिए कितने रन देखते हैं, 10 रन आने वाली 7 गेंदों में। गुड शॉट, एक ही मिलेगा, मैच खुला है। 6 गेंदों में अब चाहिए 9 रन, आखिरी ओवर में चाहिए 9 रन। क्या छह गेंदों में 9 रन? अब गुप्तगु, वार्तालाप, चर्चा चालू है, बल्लेबाज बात कर रहे हैं और बल्लेबाजों को मैसेज अंदर से आया। बंटी, सतीश ने कुछ कहा कानों में। दिस इज अ वेरी बिग नेल बाइटिंग थ्रिलर मैच बिटवीन नेल बाइटिंग फिनिश पूजा हेल्थकेयर एंड जय रेकर्स, जय स्ट्राइकर्स। यू नीड जस्ट 9 रन्स ऑफ 6 बॉल्स एंड इट इज अ नेल बाइटिंग मैच इफ यू सी। Maybe the crucial one. Yes. Eki. And. Oh. Folding. ये गेंद रोकनी चाहिए थी पीयूष। शायद फील्डर को लगा होगा कि एक रन जा रहा है पर वो 2 चले गए। अब 5 में चाहिए 7। 5 बॉल 7 रन। एक एक रन इंपॉर्टेंट, एक एक गेंद गिनी जाएगी, एक एक रन गिना जाएगा, हर एक्शन पे नजर कैमरा की। एक रन डिक्लेयर में, 4 में चाहिए अब 6। 4 गेंद 6 रन, एक डॉट डिलीवरी, एक बड़ा शॉट, मैच की तकदीर बदलेगी। जी, एक शेर का और हाथी का जब आप मुकाबला देखेंगे तब सब सोचते हैं शेर हाथी पे अटैक करेगा या हाथी शेर पे अटैक करेगा, ये वही मुकाबला है। क्या बात है। अब 3 गेंदों में चाहिए 5 रन, सॉरी ये रन नहीं है, लेग बाय था, इसके लिए रन नहीं होगा। 3 में 6 गेंदबाज, 3 बॉल 6 रन। संजय क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, कांटे की टक्कर, गुड डिलीवरी, एक ही मिलेगा लॉन्ग ऑफ पर। अब 2 में चाहिए 5, अब चौके की आवश्यकता है। 2 बॉल 5, अभी नहीं तो कभी नहीं। एलईडी वाले स्क्रीन की तरफ देखे, एलईडी बंद हो गया है, प्लीज एलईडी वाले। बहुत ही अच्छा शॉट, जी जान लगा के, और ये मिसफील्ड और ये आउट, बॉल हाथ से छूटी लेकिन वो गिरी स्टंप पे ही के लिए। एलईडी स्क्रीन वाले स्क्रीन की तरफ आए, एलईडी बंद हो गया है। एक गेंद और चाहिए अब 4 रन। एक बैठने वाले दर्शक बजाए, दिनेश जी, दिनेश जी इस मैच को थोड़ा गर्म करें। दिनेश जी प्लीज बाहर की तरफ आ जाए, प्लीज प्लीज आप बाहर की तरफ आ जाए। हेलो, एक गेंद और 4 रन। क्या यहां पे बैठे हुए कौन चाहता है कि जय शंकर जीते? आखिरी गेंद, बॉल 4 रन। हेलो, और इसी के साथ पूजा हेल्थकेयर ने मैच जीत लिया है 1 रन से, 2 रन से, सॉरी।